हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं PYQs 2024 IIT JEE मेंस में जो पूछे गए हैं। टॉपिक का नाम होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। तो सिर्फ इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की हम बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई कर सकते हैं अगर आपने ये चैप्टर या टॉपिक पढ़ लिया है तो। बहुत आसान है। क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर वन में कि लेट एस बी ए सेट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स है जो रियल नंबर को बिलोंग करता है। एंड रूट थ्री प्लस रूट टू रेस टू पावर एक्स प्लस रूट थ्री माइनस रूट टू रेस टू पावर एक्स इक्वल टू 10। या वो इन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, यानी अल्टीमेटली आपसे पूछा गया कि भाई यहाँ एक्स की वैल्यूज कितनी होगी वो बताइए। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आपसे। बहुत आसान है, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। पहली चीज, अब ये देखो ध्यान से कि ये जो टर्म आपको दिख रही होगी और ये जो टर्म दिख रही होगी, इनमें कोई रिलेशन है क्या? बिल्कुल है। किसी एक को रैशनलाइज कर दो आप, आपको दूसरी टर्म का रेसिप्रोकल मिल जाएगा। यानी ये दोनों टर्म एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। कैसे? चेक करना चाहते हो कर सकते हैं कि रूट थ्री माइनस रूट टू, क्योंकि मैं प्लस वाला साइन रख लेता हूं, इसको अगर मैं रेशनलाइज करना चाहूं रूट थ्री माइनस रूट टू, इसको बीच का साइन चेंज करता हूं, यानी रूट थ्री प्लस रूट टू, इसी से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसी से कर देता हूं डिवाइड। ऊपर देखिए क्या होगा। ऊपर आपको क्लियरली दिख रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री माइनस रूट टू का स्क्वायर टू डिवाइडेड बाय रूट थ्री प्लस रूट टू। अल्टीमेटली आई गेट वन डिवाइडेड बाय रूट थ्री प्लस। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? दैट्स इट, बस यही गेम था। ये चीज समझ में आ गई, बाकी चीज सॉल्व हो जाएगी। अब देखो मैं करूंगा कैसे, देखो इसका सॉल्यूशन मैं लेट कर लेता हूं एक मिनट के लिए कि रूट थ्री प्लस रूट टू होल रेज फॉर एक्स को मैं ज्यूम कर लेता हूं, लेट बी ए टी पी जो माना जाओ, मान लिया मैंने टी मान लिया एक मिनट, तो यानी ये टर्म यहां पे मैं इसको टी लिख सकता हूं प्लस। अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको मैंने रैशनलाइज किया, दिस विल बिकम 1 बाय दिस, और अगर इस पूरे को मैंने टी बोला है इसका मतलब ये 1 बाय टी हो जाएगा आपका, एंड इक्वल टू आई हैव 10 इक्वल टू मेरे पास क्या है 10। नाउ सॉल्व इट, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा टी, सो दिस विल बिकम योर टी स्क्वायर प्लस 1 और टी चला जाएगा उधर, मतलब ये हो जाएगा 10 टी, और आई कैन से दैट दिस विल बिकम योर टी स्क्वायर माइनस का 10 टी और प्लस का हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई यहां से मेरी, जिसका मुझे सॉल्यूशन चाहिए। आप कुछ बच्चे ये बोल सकते हैं सर क्वाड्रेटिक क्या मतलब, दो ही सॉल्यूशन आएंगे? नहीं, क्वाड्रेटिक ये टी में है पर टी कुछ और है। टी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक तरह से मैं बोल सकता हूं, जिसका बेस 1 से बड़ा है, जिसका बेस क्या है 1 से बड़ा है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, यहां से अगर टी की नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखें। सो देखो ध्यान से, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं क्वाड्रेटिक को, तो टी स्क्वायर माइनस 10 टी प्लस 1, आई थिंक फैक्टर बनते तो आपको नहीं दिख रहे होंगे, फैक्टर बनते हुए नहीं दिख रहे हैं, तो मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले सॉल्व करता हूं, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोगों को माइनस बी यानी 10 प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर कितना होगा दैट इज 100 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व इट, सो मुझे मिलेगा 10 प्लस माइनस 100 माइनस 4 दैट इज 96, रूट ऑफ 96 है, रूट ऑफ 96 एक बार चलो लिख लेता हूं होल डिवाइड बाय। अब 96 क्या हो सकता है, आई थिंक ये होता है 16 6 से का रूट, रूट 16 मतलब ये हो जाएगा आपका 4, तो ये 10 प्लस माइनस 4 रूट 6 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2, इस 2 से कैंसिल आउट कर दो तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है? मैंने अल्टीमेटली 2 कॉमन लिया एक तरह से आप बोल सकते हैं, तो माय आंसर इज 5 प्लस माइनस 2 रूट 6। ये किसकी वैल्यू आई है टी, मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, एग्जैक्ट आंसर से मुझे मतलब नहीं है, यानी टी की दो वैल्यूज है आपके पास, यहां पे लिखते हैं टी इज इक्वल टू मेरे पास है 5 प्लस 2 रूट 6 और टी की दूसरी वैल्यू है 5 माइनस 2 रूट 6। अब 5 प्लस 2 रूट 6 तो ये तो पॉजिटिव है, यानी टी क्या था ये था, क्या ये टी पॉजिटिव हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि वी ऑल नो दैट ए रेस्ट पावर एक्स है, ठीक है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा होगा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मुझे देगा, तो इसका मतलब ये आंसर पॉसिबल है, ये मतलब एक सॉल्यूशन तो पक्का हो गया कि ये तो होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं क्या ये आंसर पॉसिबल है कि नहीं, तो रूट सिक्स, रूट सिक्स की वैल्यू क्या होती है पहले वो फाइंड आउट करो, क्या ये 4 से बड़ा होगा, आई थिंक रूट सिक्स की वैल्यू होती है 2.4 समथिंग, आई थिंक यही होता है, ठीक है? वैसे आप रूट निकाल के चेक कर सकते हो, तो 5 माइनस 2 इंटू 2 ये करोगे तो ये 4.8, यानी अल्टीमेटली ये 5 से छोटा रहने वाला है, मतलब ये भी क्या होगा मेरा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, तो मतलब ये वैल्यू भी यहां पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं मेरे 2 हो सकते हैं। मान लिया जाए यहां पे लेट बी रूट 8 होता मान लो, ठीक है, रूट 8 चलो 10 कर लेता क्लियरिटी के लिए, मान लो 2 रूट 10 होता, रूट 10 का मतलब ये 3 से बड़ी वैल्यू है, 3 2 6 यानी 5 से बड़ा हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू क्या आती
नेगेटिविटी उस केस में, तब मेरा सॉल्यू आंसर जो है वो बंद हो जाता है, बट फॉर नाउ योर आंसर इज टू, ऑप्शन सिंपल एंड क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नंबर टू में क्या बोला है कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसके रूट गिवन है अल्फा और बीटा, वेयर पी इज नॉट इक्वल टू जीरो, और इसने बोला कि पी जो है जीरो नहीं होगा, क्योंकि पी जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक ही नहीं बनेगी। इफ पी क्यू आर बी द कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ नॉन कॉन्स्टेंट सीपी, नॉन कॉन्स्टेंट सीपी का मतलब क्या है, आर की वैल्यू बढ़ नहीं होगी। एक चीज क्लियर है कि जो इसका कॉमन रेशियो होगा उसकी वैल्यू वन नहीं होगी, तो ये नॉन कॉन्स्टेंट है इसलिए इसने सिर्फ स्पेसिफाई किया, ठीक है। एंड 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इक्वल टू 3 बाय 4, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज, अल्टीमेटली मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए, अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई तो फिर मैं ये कैलकुलेट कर पाऊंगा। जितनी भी कंडीशंस आपको गिवन है वहां से हम ये वैल्यूज निकालेंगे, पड़ा देखो कैसे करें। तो सबसे पहले तो मुझे ये मिलता है कि सर अल्फा और बीटा अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं तो मेरे पास एक क्या होता है, रिलेशन है बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक। तो अल्फा प्लस बीटा आपका क्लियरली हो जाएगा माइनस का क्यूब बाय पी, एंड अगर मैं बात करूं अल्फा बीटा की तो वो आपका क्लियरली हो जाएगा माइनस का आर बाय पी। होप शो ये तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इसने बोला कि पी क्यू आर जो है वो जीपी में, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि अगर पी क्यू आर जीपी में है तो क्यू बाय पी इज इक्वल टू आर बाय क्यू इज इक्वल टू आर, जहां पे मैं बोल देता हूं आर मेरा क्या है, कॉमन रेशियो है किसका, जो जीपी की बने उसका, ठीक है। अगर ये जीपी में है तो ऐसा कुछ होगा, ये सुनो बिल्कुल। और एक कंडीशन मुझे गिवन है कि 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इक्वल टू 3 बाय 4, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या होगा, ध्यान से देखो, इट इज 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा आपको गिवन है 3 बाय 4, ठीक है। एलसीएम लोगे तो ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और नीचे आपका हो जाएगा अल्फा बीटा ऑल इक्वल टू 3 बाय 4। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स माइनस क्यू बाय पी है, ठीक है। इससे पहले एक काम और कर सकते हो कि आपने क्यू बाय पी को क्या बोला, आपने बोला कॉमन रेशियो है, तो ये क्यू और पी को हटा के क्या मैं आर लिख दूं तो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये जो सम ऑफ रूट्स होगा क्या ये माइनस, लेट मी चेंज द कलर, क्या ये माइनस क्यू बाय पी मींस आर के इक्वल होगा, कैपिटल आर मैं बोल देता हूं, दैट इज अ कॉमन रेशियो। सिमिलरली आर बाय पी, आर बाय पी क्या है भाई, आर बाय पी तो कुछ भी नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस आर बाय पी। यहां से आप ध्यान से देखो तो आर बाय पी कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूं, ध्यान से देखो, मैं ये कर सकता हूं कि अल्फा बीटा इज माइनस आर बाय पी, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस एज इट इज आर बाय, सॉरी आर बाय पी, इसको मैं क्यू से मल्टीप्लाई और क्यू से ही डिवाइड, ऐसा मैंने क्यों किया, ध्यान से देखो क्यों किया, माइनस अगर मैं आर बाय क्यू को इकट्ठा ले लेता हूं तो आर बाय क्यू इज कैपिटल आर और क्यू बाय पी इज अगेन कैपिटल आर इन टू आर, मीन्स दैट विल बिकम माइनस आर, तो ये आपका हो जाएगा द प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज माइनस आर स्क्वायर। अब देखो तीन वेरिएबल कीजिए, मेरे पास सिंगल वेरिएबल आ गया, इससे मेरी चीजें आसान हो जाएंगी। तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस आर, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ, नीचे कर देता हूँ, इंप्लाइज दैट आई कैन से अल्फा प्लस बीटा इज माइनस आर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा इज माइनस आर स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 3 बाय 4, सॉल्व इट। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा 1 बाय आर, यानी मैं बोल सकता हूँ यहाँ से इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू 4 बाय 3, आर की जो वैल्यू आई वो 4 बाय 3, ठीक है। आर की वैल्यू आ गई, मुझे क्या चाहिए अल्टीमेटली, मुझे चाहिए अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, क्या हम यहां कर सकते हैं, सो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर चाहिए अल्टीमेटली। एक्चुअली में अल्फा माइनस बीटा हम सब जानते होंगे कि दिस इज द डिफरेंस ऑफ द रूट, आप डायरेक्टली वहां से भी निकाल सकते हो, अदरवाइज इसको ओपन कर दो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा लिख सकता हूं, और टू ये ऑलरेडी रखा हुआ है तो माइनस का टू अल्फा बीटा आ गई। नाउ पुट द वैल्यूज, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, दैट इज आर, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस आर, सो माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज 4 बाय 3 होल स्क्वायर इज देयर, माइनस 2 2 ये 4 हो जाएगा, एंड अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इज आर स्क्वायर, आर क्या है 4 बाय 3, तो इस 4 बाय 3 का कर देते हैं स्क्वायर, माइनस साइन का माइनस ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, लगा देते हैं एक बार, नाउ सॉल्व इट, तो ये हो जाएगा 16 बाय 9 प्लस 4 into 16 बाय 9, अल्टीमेटली ये हो जाएगा 5 into 16 बाय 9 मींस 18 बाय 9, ठीक है। सो दैट्स क्वेश्चन नंबर 2, आंसर ए इज वेरी करेक्ट।
होप सो चीजें समझ में आई होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो एंड एस एन इज इक्वल टू 2023 अल्फा रेस्ट फॉर एन प्लस 2024 बीटा रेस्ट फॉर एन, देन इनमें से मुझे बताना है कि कौन सी बात सही है। सो देखो एक इस टाइप के क्वेश्चन आपने कुछ देखे होंगे जहां पे आप क्या करते थे कि यहां पे सिर्फ मुझे ऐसा गिवन होता था कि एस एन इज इक्वल टू अल्फा रेस्ट फॉर एन प्लस या माइनस बीटा रेस्ट फॉर एन, तो उस कंडीशन में बहुत आसान हो जाता है। हम सिंपली यहां क्या करते हैं इस एक्स स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर देते हैं किससे, यहां पे हम लिख देते थे एस एन माइनस, इसको लिख देते हैं एस एन माइनस वन और माइनस एस एन माइनस टू इक्वल टू जीरो, और यहां से मुझे मोस्ट प्रोबेबली आंसर मिल जाता है। बट ये कंडीशन कुछ अलग है, यहाँ पे अल्फा रेस्ट फॉर एन और बीटा रेस्ट फॉर एन के साथ कुछ कॉन्स्टेंट टर्म भी दिख रही है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिफिकल्ट है, बहुत आसान है, इसको ऑप्शन से चेक करो। ध्यान से देखो, अगर मैं पहली दो टर्म को चेक करूं तो यहाँ पे एस टेन और इलेवन को एड किया गया है, अगर मैं बाद वाली को ट्राई करूं तो यहाँ पे 10 और 12 को ऐड किया गया। तो एक काम करते हैं चेक करने के लिए, मैं 11 और 10 को एक बार ऐड करके देख लेता हूं कि अगर मैं यहां से एस 11 प्लस एस 10 इनको ऐड करके देखता हूं। सिंपल एस 11 का मतलब क्या है, एस एन का ये है, इसका मतलब एन की जगह पे 11 रख दीजिए, दिस विल बिकम योर 2023 अल्फा रेज टू पावर 11 प्लस 2024 अल्फा रेज टू पावर सॉरी बीटा रेज टू पावर जो जगह वो बीटा रेज टू पावर 11, ठीक है। प्लस करना है S10 मतलब 2023 अल्फा रेज टू पावर 10 प्लस 2024 बीटा रेज टू पावर 10। अब देखो ये दोनों टर्म सेम है तो आप इन दोनों से 2023 अल्फा रेज टू पावर 10 कॉमन ले सकते हो, आपके पास बचेगा अल्फा रेज टू पावर प्लस, यहां से आप 2024 कॉमन ले सकते हैं, बीटा रेज टू पावर 10 कॉमन आ जाएगा तो अल्टीमेटली यहां पे भी बचेगा आपके पास बीटा। अब यहां आके आप रुक गए क्या किया, अब ध्यान से देखो तो अल्फा बीटा क्या है इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहां अल्फा रखता हूं तो ये इक्वेशन क्या बन जाए, अगर मैं यहां अल्फा पुट करूं तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस वन इक्वल टू जीरो, और आई कैन से दैट अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस वन। ये ध्यान से देखो ये अल्फा प्लस वन के बारे में, सिमिलरली बाय सिमेट्री क्योंकि आप बीटा रखोगे तो सेम ही होने वाला है, यानी बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बीटा प्लस वन, सेम ही चीजें होने वाली, तो पुट द वैल्यूज। तो इसका मतलब इसको हटा के मैं अल्फा स्क्वायर लिख सकता हूं और इसको हटा के मैं बीटा स्क्वायर लिख सकता हूं, सॉल्व इट अगेन, सो दिस विल यू गेट 2023 अल्फा रेज टू पावर 10 यहां पे 2 यहां पे अल्फा रेज टू पावर 12 हो गई प्लस 2024 बीटा रेज टू पावर भी क्या हो जाएगी 12, और ये अल्टीमेटली क्या S12 आपको दिख रहा है, n की जगह 12 रखो आपको सेम मिलेगा, मींस दैट इज इक्वल टू S12 और आई कैन से दैट ऑप्शन 2 इज वेरी करेक्ट, ठीक है। मान लो ये नहीं होता तो या तो इन दोनों में से एक आ जाता, इससे आपको इन दोनों में से कोई एक मिल जाता, नहीं मिल रहा फिर देन हम S10 और S12 को ऐड करके देखते हैं कि यहां से तो कोई आंसर नहीं मिलता। सो सिंपल क्लियर समझ में आया, कोई भी डाउट। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कि लेट द सेट सी एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस टू रेज फॉर वाई इक्वल टू 2023 एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन वी नीड टू फाइंड द समीशन ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू सी इक्वल टू सी एक्स प्लस वाई, यानी भाई मुझे एक्स वाई के ऑर्डर्ड पेयर, ये सेट क्या है, सेट से क्या है, एक्स वाई का एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, यहाँ डिफरेंट वैल्यूज आएगी, सारी वैल्यूज को ऐड करके मुझे आंसर देना, ठीक है, होप सो सिंपल एंड क्लियर। सो कैसे किया जाए, निकाली कैसे, पहली बात ये है ना कि एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो अल्टीमेटली एक्स और वाई की वैल्यू के लिए मेरे पास ये है और इन्फॉर्मेशन ये है कि एक्स वाई नेचुरल नंबर ही होगा, ठीक है। सो यहां से वैल्यू कैसे निकाली जाए, एक्स और वाई में इक्वेशन दिख रही है तो पहला दिमाग में ये आता है ना कि एक्स की कुछ वैल्यूज में रख देता हूं फिर वाई के लिए मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, बट एक्स और वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ऐसी आप कितनी वैल्यूज रख सकते हो, या फिर हम वाई की वैल्यू रखूं एक्स की वैल्यू निकाल लूं, ठीक है, बट ऐसी कितनी वैल्यूज हम रख सकते हैं, क्योंकि एक्स और वाई की तो इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है जो यहां रखी जा सकती है, तो कोई तो रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए ना, कहीं से रुके हम कि भाई इसके और इसके बीच में चेक करना है मुझे तब तो मैं कर पाऊं, अदरवाइज तो मेरे पास इनफाइनाइट वैल्यूज है कैसे चेक करूंगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, ठीक है, और ये चीजें प्रैक्टिस के साथ आती है, ये चीजें एक बार करने के बाद ही आती है, डायरेक्टली मे बी आपके क्लिक करे या ना करे, कर जाए बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं कर रहा इट्स ओके, आप सॉल्यूशन देखिए कर सकते हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे हम यहाँ पे, सो सबसे पहला काम मैं क्या करता हूं कि एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखता हूं, इस 2023 को मैं लेके आता हूं ऑन द
लेफ्ट हैंड साइड, तो 2023 मैंने लिख दिया यहां पे, इज इक्वल्स 2 raised to power y, जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा प्लस, पहला स्टेप। अब ये एक्स स्क्वायर है और ये टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं, मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूं माइनस टू कर, माइनस टू ही क्यों किया मैंने, ध्यान से देखो आप, 2023 माइनस टू ये हो जाएगा 2025, दैट इज ए स्क्वायर ऑफ 45, इसका मतलब मैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 45 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं, इज इक्वल टू, यहां से मैं चाहूं तो 2 को कॉमन ले सकता हूं और अंदर मेरे पास बचेगा 2 raised to power y minus 1 minus 1। होप सो यहां तक चीजें सिंपल है, क्लियर। यहां पे आप आइडेंटिटी लगा दीजिए कि x माइनस 45 यानी a माइनस बी एंड a प्लस बी वाली आइडेंटिटी मैंने लगा दी, इज इक्वल टू 2 into 2 raised to power y minus 1 minus 1। अब जो आप दिमाग लगा रहे थे ना, वो यहां लगाने की जरूरत है, ठीक है, कि भाई मुझे x की वैल्यूज रख के देखता हूं, y की वैल्यूज रख के देता हूं, वो लगा सकते हैं। अब यहां आने के बाद इजी क्यों हुआ, हम यहां तक इतनी मेहनत करके पहुंचे क्यों, उस चीज को ध्यान से देखो आप, ये 2 क्या है, आप बोलोगे सर एक इवन नंबर, ये एक इवन नंबर है, और ये क्या है भाई, 2 की कोई भी पावर ले लो, कोई भी 2 मतलब कोई भी इवन नंबर है, उसकी कोई भी पावर आप रेज करो वो ऑलवेज एक इवन नंबर ही मिलेगा। तो इसका मतलब 2 raised to power y minus 1 ये क्या होगा, इवन, और इस इवन नंबर में से अगर मैं 1 माइनस कर दूंगा तो अल्टीमेटली ये जो पूरा ब्रैकेट है ये मुझे एक ऑड नंबर देगा, क्या देगा मुझे एक ऑड नंबर देगा। तो यानी राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, एक्चुअली में एक इवन और ऑड नंबर का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अल्टीमेटली आंसर तो इवन आएगा, बट एक नंबर इवन है एक ऑड है, इवन भी क्या है 2 ही है। अब मैं देखता हूं राइट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड में एक्चुअली में क्या होगा, ध्यान से देखो, अगर मैं x को मान लेता हूं, मैं x की 2 वैल्यूज रख सकता हूं, या तो मैं इवन रखूंगा या फिर मैं x की वैल्यू ऑड रखूंगा, ये दो ही काम कर सकता हूं ना, यस ना, यस। तो छोटे से नंबर से स्टार्ट करते हैं कि मान लिया जाए मैंने x की वैल्यू 2 रखी, 2 रखने से ये पूरे पे क्या इफेक्ट होगा, ये एक ऑड नंबर है, ये एक इवन नंबर होगा, ऑड और इवन का डिफरेंस क्या होगा, वैसे तो 2 रख ही नहीं सकते हम, क्योंकि भाई मुझे अल्टीमेटली क्या चाहिए, ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ सकती है क्या, 0 नहीं, ये नेगेटिव नहीं आ सकती ना, ठीक है। तो मान लीजिए एक मिनट के लिए मैं रखूं, कोई भी वैल्यू आप रखो, जैसे मान लो 47 रख लीजिए एक मिनट, अगर मैं यहां पे 46 रखेंगे तो 46 minus 45 और ये हो जाएगा 46 plus 45, इनको ऐड करने के बजाय ध्यान से देखो तो ये मुझे देगा 1, दैट इज एन ऑड नंबर, ये मुझे देगा 91, वो भी एक ऑड नंबर है। तो एक्चुअली में जब मैंने 46 रखा, यानी एक इवन नंबर की तरह मैं सोच रहा हूं, क्योंकि x की जगह जब आप इवन नंबर रखोगे तो ये 45 एक ऑड नंबर है, इवन और ऑड का सम हमेशा क्या, सम या डिफरेंस दोनों ही क्या मिलेंगे आपको, ऑड ही मिलेंगे। तो यानी x की वैल्यू अगर मैं इवन रखता हूं तो ये दोनों वैल्यू सी कैसी हो जाती है, कैसी हो जाती है, ऑड हो जाती है, बट यहां पे तो एक इवन एक ऑड है, तो मतलब 2 ऑड का प्रोडक्ट इवन नहीं मिलने वाला आपको। 9 into 3 27, इट्स एन ऑड नंबर। 11 into 3 33, ऑड नंबर, यानी 2 ऑड नंबर का प्रोडक्ट ऑड नंबर ही होगा, तो ये इवन नहीं हो सकता। इसका मतलब मैं यहां पे कोई भी इवन नंबर रख के आंसर नहीं निकाल सकता, दिस इज द फर्स्ट थॉट प्रोसेस। अब आते हैं ऑड नंबर पे, अगर मैं ऑड रखूं तो क्या होगा भाई, ऑड रख लो 47 रख के देख लो, अगर मैं यहां पे x की जगह 47 रखता हूं तो यहां पे एक्चुअली में क्या आने वाला है, 2 आएगा इनटू 47 plus 45 92 आ जाएगा, तो ये इवन और ये नंबर इवन, दोनों नंबर क्या आने वाले, इवन। तो अगर मैं x की वैल्यू ओड रखूंगा तो दोनों ब्रैकेट में जो नंबर आएंगे वो कैसे आएंगे, इवन, 2 into 92 टाइप। पर यहां देखिए आप, यहां पे तो एक इवन और एक ओड है, यहां पे क्या है, एक इवन है और एक ऑड, y की वैल्यू कुछ भी रखो एक इवन और एक ओड मिलेगा, यानी 2 into an odd number मिलेगा आपको, तो ये 2 into an even number मिल रहा है, तो इसका मतलब ये वैल्यूज पॉसिबल नहीं। तो यहां से मेरे दिमाग में एक चीज क्लियरली हो गई कि x और y की यहां पे कोई भी वैल्यू रखो आप, चाहे इवन रखो चाहे ओड, अल्टरनेट आएंगे इवन ओड, तो मुझे यहां पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, सिर्फ एक ही कंडीशन में मुझे सॉल्यूशन मिल सकता है, जब दोनों टर्म क्या हो जाए, जीरो हो जाए, दोनों टर्म क्या हो जाए, जीरो, यानी लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो हो जाए राइट हैंड साइड भी जीरो हो जाए, तभी मेरा कोई सॉल्यूशन मिल सकता है। तो मुझे ये देखना है कि ये वाली साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड जीरो कब होगी, क्लियरली मुझे दिख रहा है जब एक्स की वैल्यू 45 हो, ये सुनो बिल्कुल, और राइट हैंड साइड जीरो कब होगी, जब वाई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि वाई की वैल्यू 1 रखूंगा, 1 minus 1 0, 2 raised to power 0 is 1, 1 minus 1 is 0, ये साइड जीरो हो जाएगी, 45 रखने से क्लियरली जीरो हो जाएगी। सो इसका मतलब मेरे पास एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है, दैट इज x इज 45 एंड y इज 1, दैट्स व्हाई मैं यहां से यहां पहुंचा, ताकि मैं ये जस्टिफाई कर सकूं कि यहां एक ही वैल्यू पॉसिबल है, इसके अलावा मैं कोई और वैल्यू रख ही नहीं सकता,
क्योंकि इसके अलावा मैंने कोई भी इवन वैल्यू रखी या कोई भी ओड वैल्यू रखी, उसके लिए क्या होने वाला है एक्चुअली में, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल कभी नहीं आ सकती, बिकॉज ऑन द लेफ्ट राइट हैंड साइड वी हैव ए इवन नंबर एंड ऑड नंबर, प्रोडक्ट है एक इवन ऑड का, तो वहां से हमेशा मुझे एक इवन नंबर मिलने वाला है, बट ऑन द राइट हैंड साइड एक्चुअली में क्या होने वाला है, या तो दोनों इवन मिलेंगे या दोनों ही ऑड नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो होप शो सिंपल एंड क्लियर। सो एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, 45 एंड 1, नाउ पुट द वैल्यूज, बस दो ही है, तो 45 प्लस 1 मींस 46 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, होप शो सिंपल एंड क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अब ध्यान रहे कि अल्फा बीटा दोनों नेचुरल नंबर है, बी रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 70x प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, वेयर लैम्डा बाय 2 एंड लैम्डा बाय 3 डज does not belongs to natural number, मतलब सीधा सा है कि lambda ना तो 2 का 2 से divisible है ना ही 3 से divisible है। If lambda assume the minimum possible value, अगर lambda value कैसी हो, minimum हो, then मुझे alpha minus 1 का root plus beta minus 1 का root all bracket close plus lambda plus 35 divide by mod of alpha minus beta की value चाहिए क्या होगी, ठीक है, मतलब मुझे अल्फा बीटा और लैम्डा तीनों की वैल्यू चाहिए भाई। अब देखो यहां पे ना थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट है जो वर्क करेंगे, जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब वो क्या है, ध्यान से देखिए, मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो गिवन है एक्स का माइनस का 70x और प्लस का लैम्डा फॉर इक्वल टू 0, इसके रूट है अल्फा बीटा, तो सम ऑफ रूट अगर मैं बात करूं अल्फा प्लस बीटा, आप बोलोगे सर ये होगा 70 और अल्फा बीटा जो है वो हो जाएगा इक्वल टू लैम्डा, ऑप्शन सिंपल क्लियर। अल्फा बीटा किसको बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं सर नेचुरल नंबर को, किसको बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्लियर है सर अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसी हो सकती है, भाई इन दोनों का सम 70 है, इसका मतलब ये वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड शोन अप टू 69 जा सकती है, क्या 70 और 0 हो सकती है, नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा दोनों नेचुरल नंबर है, तो इनकी वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर 69 तक, पेयर कैसे बनेंगे भाई, या तो 1 एंड 69 हो गए, दोनों का सम क्या होगा 70, या 2 और 68 होगा 70, 3 और 67 होगा, ऐसे पेयर में इनकी वैल्यू जाने वाली, ऑप्शन जहां तक चीजें क्लियर है, ठीक है। अब बात क्या आती है कि ठीक है ये समझ में आ गया कि ऐसा होगा, इन दोनों का सम 70 होगा, अल्फा बीटा की वैल्यू 1 से लेकर 69 तक कुछ होगी, ठीक है, अगर एक वैल्यू मुझे मिल गई तो ऑटोमेटिकली दूसरी वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि दोनों का सम 70 है, जैसे मैं अगर अल्फा की वैल्यू 1 लेता हूं तो बीटा ऑटोमेटिकली 69 हो जाएगा, यहां तक क्लियर है। The next thing is alpha beta is lambda और lambda की वैल्यू मुझे मिनिमम से मिनिमम चाहिए, क्या चाहिए, मिनिमम से मिनिमम चाहिए। अब यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटा सा बेसिक्स मैथ का कॉन्सेप्ट वर्क करता है, जो अगर आपको पता हो तो आप फटाफट से वैल्यू निकाल पाओगे, क्या कि अगर ऐसे आपके पास कोई भी एक सीरीज लिखी हो, ठीक है, तो आई थिंक एपी तो पढ़ी है हमने, एपी तो पढ़ी ना, कोई भी एपी आपने लिखी हो, अगर उसकी एंड टर्म्स का प्रोडक्ट आप निकालो 69 into 1, जैसे यही है 1 to लेके 69 तक, इस AP का common ratio, sorry, common difference क्या है 1 है, तो 1 into 69 अगर आप करोगे multiply, तो आपको मिलेगा 69, अब 2 into 68 करोगे, तो इनका product जो है वो क्या होगा, I think ये हो जाएगा 136, ऐसे ही 3 into 67 करोगे, अगर आप इनको observe करोगे, तो ये product ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, और maximum कहाँ होगा, जब एक center value आपको मिल जाएगी, ठीक है, जब इसकी क्या मिलेगी आपको सेंटर वैल्यू मिलेगी, वहां पे ये मैक्सिमम हो जाएगा, यानी मैं बात कर रहा हूं 35 into 35, ठीक है, इन नंबर्स में से कोई भी दो नंबर उठा लीजिए इस सीक्वेंस में जो मैंने बताया आपको, जिनका सम 70 हो, ठीक है, जिन दो नंबर्स का सम 70 हो उनको मल्टीप्लाई कीजिए, इससे ज्यादा उनका प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, तो यानी अगर मैं एन टर्म से किसी भी एपी में एन टर्म से ऐसे मल्टीप्लाई करता जाऊं और अंदर की तरफ आता जाऊं, तो जो मिडिल टर्म्स होगी ना उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, और इसने मुझे बोला कि मुझे लैम्डा की वैल्यू मिनिमम चाहिए, दो नंबर्स जिनका सम 70 हो उनका प्रोडक्ट मुझे कैसा चाहिए, मिनिमम, तो इसका मतलब यहां से मुझे एक चीज समझ में आई कि सर मुझे नंबर 1 into 69 लेना चाहिए क्योंकि इसका प्रोडक्ट सबसे कम होगा, क्योंकि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, सबसे कम होगा, आपने सोचा बिल्कुल सही, लेकिन यहां पर एक अड़चन आ गई ये वाली कि लैम्डा जो है 2 और 3 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है, किससे 2 और 3 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, कि 2 से डिवाइड किया 3 से डिवाइड किया नेचुरल नंबर नहीं मिलना चाहिए, तो इसका मतलब 69, यानी 69 क्या होता है 3 से डिविजिबल होता है, तो ये नंबर मैं नहीं ले सकता, तो भाई अब सबसे छोटा नहीं है तो उससे बड़ा देख लो,
क्या मैं 2 into 68 ले सकता हूं? आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि 2 से भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए। 3 into 67 3 से भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए। क्या मैं 4 into 66 ले सकता हूं? नहीं, क्योंकि 2 से डिविजिबल है। तो क्या मैं 5 into 65 ले सकता हूं? आप बोलोगे सर बिल्कुल ले सकते हैं, ना तो ये 2 से डिविजिबल है ना ये 3 से डिविजिबल है, और यही एकमात्र ऐसा नंबर है जो सबसे कम होगा, क्योंकि इससे पहले वाले सारे नंबर तो क्या है 2 और 3 से डिविजिबल है। तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट मीन्स आई कैन डायरेक्टली से दैट द लैम्डा विल बी, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 5 5 25 30, यानी 325 क्या होगा मेरा लैम्डा हो, यानी लैम्डा मेरा क्या होगा 325 होगा। ऑप्शन सिंपल एंड क्लियर। अब जब लैम्डा 325 होगा तो अल्फा और बीटा की वैल्यू भी हमने डिसाइड कर ली, अल्फा क्या होगा 5 और बीटा क्या होगा 65। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ सकता है कि सर हम बीटा को 5 लेंगे और अल्फा को लेंगे 65, ले लो भाई। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, इस बात से कि आपने अल्फा क्या लिया और बीटा क्या लिया, ठीक है? आपका आंसर क्या होगा? हमेशा वही रहेगा। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। अल्फा क्या है? बोला मैंने 5 5 - 1 क्या होता है 4, 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2। प्लस बीटा 65, माइनस 1 करो 64, 64 का रूट होता है 8, ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा लैम्डा इज 325 प्लस 35 होल डिवाइड बाय अल्फा माइनस बीटा का मोड है, तो अल्फा माइनस बीटा यानी 5 - 65 - 60 - 60 - 60 का मोड अल्टीमेटली हो जाएगा 60। सॉल्व इट, सो ये हो जाएगा 10 इनटू, इनको ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा 360 डिवाइड बाय 60, 0 0 गेट कैंसिल आउट 66, सो यू विल गेट द आंसर एट 60। सो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा मेरा 60। होप सो सिंपल एंड क्लियर। काफी अच्छे क्वेश्चन है, होप आप इंजॉय कर रहे होंगे इनको सॉल्व करना। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रियल सॉल्यूशन आपसे पूछे गए। सो कितने होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना। कुछ बच्चे क्या करेंगे आप फटाफट से देखो, पहली चीज तो आप ऑब्वियसली काम करोगे कि एक्स इंटू ये पूरी ब्रैकेट है और इक्वल टू जीरो है, तो हम सब जानते हैं कि सर अगर दो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब इनमें से 100% एक जीरो है, यानी मैं बोल सकता हूं या तो एक्स इक्वल टू जीरो होगा और या फिर जो बाकी लिखा हुआ यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3 मोड ऑफ एक्स प्लस 5 मोड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस 6 मोड ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। सॉरी ब्रैकेट नहीं आएगी, बाय दिस वन, ठीक है? सो होप ये चीजें क्लियर है। तो एक सॉल्यूशन तो मुझे क्लियरली मिल गया कि या तो एक्स इक्वल टू चाहिए जीरो, तो एक सॉल्यूशन तो मुझे मिल गया, तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन में एक तो आ गया कि जीरो होगा। अब देखिए आप ध्यान से, यहां पे यहां क्या हो रहा है एक्चुअली में, अब कुछ बच्चे यहां पे क्या करने वाले हैं ना, वो फटाफट जाएंगे और इनको खोलने बैठ जाएंगे कि सर मॉडुलस फंक्शन है, इसको रीडिफाइन कर देते हैं। पर अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये इक्वेशन कभी भी इक्वल टू जीरो हो सकती है कि नहीं हो सकती, ठीक है? ध्यान से देखिए आप, एक्स स्क्वायर इज अ पॉजिटिव नंबर, यहां प्लस का साइन है, प्लस 3 है, मोड ऑफ एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर, मतलब पहली दोनों टर्म पॉजिटिव है, ये मोड है इनटू 5, आगे भी प्लस है, ये भी पॉजिटिव ही है और ये भी पॉजिटिव है, ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं पॉजिटिव है, ये सारे के सारे पॉजिटिव है और ये जीरो कब हो सकता है, जब इंडिविजुअली सारे के सारे जीरो हो जाए, यानी एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए, एक तरह से मैं बोल सकता हूं, तभी होगा ना, क्योंकि ये जीरो तभी होगा जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी, ये भी जीरो तभी होगा जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी, लेकिन ये दोनों जीरो नहीं होंगे जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी, तो इसका मतलब ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, तो यहां से तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलने वाला मुझे, तो यहां से नहीं मिलने वाला, इसका मतलब मेरे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन, दैट इज वन, तो इसका आंसर जो होगा सॉल्यूशन इज ओनली वन सॉल्यूशन इज देयर, तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन आपसे पूछे हैं तो वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है? मे बी ऑप्शन होने चाहिए थे इसमें, मैंने नहीं लिखे हुए, इट्स ओके फाइन, ठीक है? आपको क्वेश्चन आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसने बोला है कि एबीसी 3 नंबर है इस सीक्वेंस में, कि एबीसी तीनों पॉजिटिव है और इस सीक्वेंस में कि ए सबसे बड़ा है, बी उससे छोटा है और सी सबसे छोटा है, बट तीनों जीरो से बड़े हैं। लेट ए प्लस बी माइनस 2c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी माइनस 2a इंटू एक्स प्लस सी प्लस ए माइनस 2b इक्वल टू जीरो एंड वन अल्फा इज नॉट इक्वल टू वन, कुछ गड़बड़ हुआ है, बी वन ऑफ इट्स रूट, इक्वल टू जीरो, इसको भूल जाइए एक मिनट के लिए, आई थिंक ये नहीं है यहां पे, एंड के बाद ये आएगा, सो ये क्वेश्चन समझ में आएगी, अल्फा इज नॉट इक्वल टू वन, बी वन ऑफ इट्स रूट, इसने बोला है कि अल्फा जो है वन के इक्वल नहीं है और लेकिन वो इस इक्वेशन का क्या है, एक रूट है, ठीक है?
देन अमंग द टू स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट आपको गिवन है, इनमें से इफ अल्फा इज अल्फा बिलोंग्स टू माइनस वन टू जीरो ओपन इंटरवल देन बी कैन नॉट बी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी. इफ अल्फा बिलोंग्स टू जीरो टू वन देन बी मे बी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी. आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों ही गलत है, केवल वन सही है, केवल टू सही है. ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करके देना है. ठीक है, वो थोड़ा सा आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पे, ये जो बना है. ठीक है, सो देखो कैसे किया जाए. सो देखो थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई तो क्लियरली आपको दिख भी रहा होगा कि यहां पे क्या हो रहा है. एक्चुअली में ये है a प्लस बी माइनस टू सी, यहां पे है b प्लस सी माइनस टू ए, और ये है c प्लस a माइनस टू बी. तो क्लियरली अगर x की जगह मैं वन रख दू ना यहां पे, ये पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि टू सी है माइनस का और प्लस का c प्लस का दो सी. सिमिलरली a से आपके a कैंसिल आउट हो जाएंगे और b से b कैंसिल आउट. तो क्लियरली बिना पुट किए आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहां पे x की एक वैल्यू आने वाली है, दैट इज वन. और इसके अलावा एक और रूट है, दैट इज अल्फा. इसने बोला कि दूसरा रूट है अल्फा जो कि वन है, इसलिए इसने बोला कि अल्फा वन नहीं है. तो जैसे मैं एक्स की वैल्यू वन निकालता यहां से तो मैं सोचता कि अल्फा की वैल्यू तो वन है, वो मैं पुट करके ये चीजें चेक कर लेता, बट ऐसा नहीं है. इसने बोला कि अल्फा जो है वो वन नहीं है, मतलब ये दूसरा रूट है इसका जो वन नहीं है. तो एक रूट इस इक्वेशन का वन है, दूसरा है अल्फा. अब अल्फा माइनस वन से जीरो पे लाई करता है, तो एक काम करते हैं अल्फा निकाल लेते हैं. आई थिंक बहुत आसान है. अगर मैं यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला लगाता हूं कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आप बोलोगे सर ये होता है सी, यानी सी प्लस ए माइनस टू बी, कॉन्स्टेंट टर्म जो काम कर रही है ये, डिवाइडेड बाय ए. ए क्या है मेरा, दैट इज ए प्लस बी माइनस टू सी. अल्फा बीटा है, अब बीटा अल्फा तो वन नहीं है, तो इसका मतलब ये बीटा है मेरा वन. तो बीटा की वैल्यू वन रखोगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्लियरली ये. तो इस बीटा को हटा दो, यानी अल्फा की वैल्यू मेरी है ये. अगर अल्फा की वैल्यू ये है तो अब इसने बोला कि अल्फा जो है माइनस वन से जीरो के बीच में लाई करता है. फिर उसके बाद चेक करना है कि देन बी कैन नॉट बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी. तो अगर इसके बीच में लाई करता है तो मुझे चेक करना है कि बी जो है वो इसका ज्योमेट्रिक मीन नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है. लेट्स चेक. सो इसने बोला कि अल्फा जो है आपका माइनस वन से जीरो के बीच में लाई करता है. क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यस. अल्फा की वैल्यू क्या है लिख दीजिए, अल्फा इज सी प्लस ए माइनस टू बी होल डिवाइडेड बाय ए प्लस बी माइनस टू सी इज लेस देन जीरो. अब यहां से मुझे क्या करना है, चेक करना है. क्या चेक करना है, यहां से सिंपली इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके देखो, आपको ये ज्योमेट्रिक मीन वाली कंडीशन मिल जाएगी ऑटोमेटिकली. ठीक है कि नहीं है वो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा. कैसे करेंगे ध्यान से देखो. अब पहली चीज तो मुझे बताओ कि ए बी माइनस टू सी क्या ये पॉजिटिव है कि नहीं है, क्योंकि इनइक्वालिटी में अगर मुझे इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है इससे, तो मुझे पता होना चाहिए इसका साइन क्या है. तो अगर आप ध्यान से देखो तो ए सबसे बड़ा है, बी उससे बड़ा है और सी सबसे छोटा है. तो सी का मैंने डबल किया है, सी का डबल ए प्लस बी से तो छोटा ही होगा क्योंकि ऑलरेडी ए सी से बड़ा है और बी भी सी से बड़ा है. तो बी में से अगर मैं इसको माइनस सी करके लिख देता हूं, बी माइनस सी क्या होगा पॉजिटिव, ए माइनस सी भी क्या होगा पॉजिटिव. इसका मतलब ये जो टर्म है ये पॉजिटिव है. तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई ए प्लस बी माइनस टू सी आपको क्या मिलेगा कि माइनस ए माइनस बी प्लस का टू सी हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करूंगा, इज लेस देन सी प्लस ए माइनस टू बी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. एंड जीरो से करोगे तो ये जीरो हो जाएगा. अब दो इनइक्वालिटी इनको अलग अलग सॉल्व कर लो, एक इसको कर लो और एक कर लो इसको. इसको सॉल्व करोगे देखो ये क्या हो, सी प्लस ए इज लेस देन टू बी. ये सिर्फ इस इनइक्वालिटी की बात कर रहा हूं, यहां से मुझे मिलेगा ये कि टू बी जो है वो बड़ा होगा सी प्लस ए से. ठीक है, या फिर इस टू को ले जाइए इधर नीचे, सी प्लस ए डिवाइडेड बाय टू जो होगा वो छोटा होगा बी से. मेरे पास तीन नंबर है ए बी और सी. अगर आप ध्यान से देखो तो सी प्लस ए डिवाइड बाय टू ये किसके बारे में बात हो रही है, ये बात हो रही है ए एम ऑफ टू नंबर, ए एम ऑफ ए एंड सी के बारे में बात हो रही है, ए और सी का ए एम. जो बी जो है इन दोनों के ए एम से बड़ा है. एंड वी ऑल नो दैट ए एम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम. तो जिन बच्चों को इसके बारे में पता नहीं है एक बार ऐसे नोट करके रखें, जब ए एम जी एम पढ़ लोगे आप उसके बाद हम यहां पे आएंगे. ए एम जो अर्थमेटिक मीन होता है कोई भी दो नंबर का, वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से क्या होता है, बड़ा होता है. इसका मतलब ये है ए एम और ये बी जो है इन दोनों के ए एम से बड़ा है. अगर ए एम जो है दोनों के कोई एक नंबर ए एम से बड़ा है, इसका मतलब वो जी एम तो नहीं हो सकता. इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि अल्फा अगर इसके बीच में लाई करता है देन बी कैन नॉट बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी, ये बात बिल्कुल सही बोली गई कि बी जो है इसका ज्योमेट्रिक मीन नहीं हो सकता.
ठीक है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही बोली गई है। अब आप बोलोगे सर आपने तो आधा ही चेक किया ना, ये वाला कौन चेक करेगा, इसको भी ट्राई कर लो भाई, इससे क्या निकल रहा है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, कहाँ करूँ, स्पेस तो नहीं है, चलो यहाँ लिख देता हूँ। सो देखो ध्यान से, ये माइनस ए है, ये ए है, तो इन सबको इधर ले आओ, माइनस बी है, इनको इधर ले आते सबको, तो ये क्या होगा, प्लस का टू सी इधर जाएगा तो माइनस का सी हो जाएगा, ये माइनस के बी जब उधर जाएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का बी बचेगा मेरे, सॉरी माइनस का बी बचेगा, एंड ए उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का टू ए। ये सब इधर लेके गया हूं, तो इट मीन्स दिस इज ग्रेटर देन जीरो, और आई कैन से दैट टू ए इज ग्रेटर देन बी प्लस सी। ठीक है, सो आई थिंक ये बात तो बिल्कुल सही है, डबल ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी प्लस सी, ये स्टेटमेंट तो यहीं से प्रूव हो जाती है, ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है कि ऐसा ही होगा, दैट्स इट। ठीक है, यानी रिजल्ट जो मुझे मिला वो यहां से मिला है। सिमिलरली आप सेकंड कंडीशन को चेक कीजिए, सेकंड स्टेटमेंट को चेक करेंगे तो कैसे मिलेगा, ओके लेट मी ऐड द स्लाइड। ओके सो नेक्स्ट में इसने बोला कि अल्फा जो है मेरा जीरो से वन के बीच में है, अब अल्फा क्या है उसकी वैल्यू वापस से पुट कर दीजिए, ये आपका है सी प्लस ए माइनस टू बी, सी प्लस ए माइनस टू बी होल डिवाइडेड बाय ए प्लस बी माइनस टू सी, ए प्लस बी माइनस टू सी शुड बी लेस देन वन, वही ये तो पॉजिटिव है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, जीरो हो जाएगा, जीरो इज लेस देन सी प्लस ए माइनस टू बी लेस देन ए प्लस बी माइनस टू सी, क्योंकि वन से मल्टीप्लाई एज इट इज इधर चला जाएगा। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, यहां से क्या मिलेगा आपको, क्लियरली टू बी को उधर लीजिए, तो टू बी जो है वो लेस देन होगा ए प्लस सी से, या सी प्लस ए बोल दीजिए, इस टू को उधर ले आइए। यहां से क्लियरली मुझे क्या दिख रहा है कि बी एक नंबर है जो इसके ए एम, ए और सी के ए एम से क्या होगा, छोटा होगा। अगर ए एम से छोटा है तो इसका मतलब चांसेस हैं कि बी इसका ज्योमेट्रिक मीन हो सकता है, बिकॉज वी ऑल न्यू दैट ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, इसका मतलब बी जो है इसका बी क्या हो सकता है, इसका ज्योमेट्रिक मीन पॉसिबिलिटी है। आई थिंक यही बात इसने पूछी है यहां पे, कि इफ अल्फा इज बिटवीन जीरो एंड वन देन बी मे बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी, बिल्कुल सही बोल रहा है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट मुझे मिल चुकी है वैसे चेक करने की जरूरत नहीं, बट इसको करना चाहो तो करो, सो इस ए से तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, माइनस का टू सी है, ये सी है तो उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा थ्री सी इज लेस देन थ्री बी, थ्री से थ्री कैंसिल आउट, तो सी जो है वो बी से छोटा है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी गिवन है, वही कंडीशन है बस, और कुछ नहीं है, तो यहां से मुझे मिल गया, इसका मतलब जो मेरी दोनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, इसका मतलब मेरा आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर ट्रू, होप सो, सिंपल एंड क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, होप सो समझ में आ गया होगा कि क्या था एक्चुअली में इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, अल्फा की वैल्यू निकाल लेना, उसको जो कंडीशन की उन्हें पुट कर देना, वहां से चेक कर लेना, बस आपको ए एम जी एम के बारे में पता होना चाहिए, आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, लेट एस बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच ए एक्स स्क्वायर प्लस टू ए प्लस वन एक्स प्लस नाइन ए प्लस फोर होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस थर्टी टू इज लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इज, भाई सिंपल सा, फिर से उसने एक्स की वैल्यू ही पूछी है कितनी होगी। सो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, ये पूरा जो क्वेश्चन मुझे गिवन है, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है मेरी वो जीरो से छोटी है, मतलब नेगेटिव है। अब नीचे देखो, नीचे कोई भी वेरिएबल नहीं, तो पहले इसको चेक कर लो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये नेगेटिव है, कैसे, इसका डी निकालो पहले, डी क्या आएगा, बी स्क्वायर यानी एट का स्क्वायर 64 माइनस फोर ए सी, तो फोर इंटू वन इंटू थर्टी टू, इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस का एट ट्वेल्व 128 आ रहा है, 64 माइनस 28 यानी जो डी है वो लेस देन जीरो है, और ए यानी वन है यहां पे पॉजिटिव, तो ए अगर पॉजिटिव है और डी अगर नेगेटिव है, इसका मतलब ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये जो नीचे स्टेटमेंट गिवन है ये हमेशा ही क्या रहेगी मेरी, पॉजिटिव ही रहेगी, क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। इसने बोला कि पूरा नेगेटिव होना चाहिए, तो नीचे वाला अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ऊपर वाली जो टर्म गिवन है, यानी मैं कह सकता हूं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए प्लस वन इंटू एक्स प्लस नाइन ए प्लस फोर, ये क्या होनी चाहिए, इट इज ऑलवेज लेस देन जीरो, ये हमेशा ही नेगेटिव होनी चाहिए। अब मुझे बताओ इसकी नेगेटिव होने की कंडीशन क्या है, आप बोलोगे सर इसका जो कॉफिशियंट है, यानी एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट क्या है यहां, ए
ए क्या होना चाहिए, हमेशा जीरो से छोटा होना चाहिए, पहली कंडीशन। और फिर डी भी क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। बट अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में, तो इसने क्या बोला है, एस बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए, यानी ए तो पॉजिटिव है, ये बोल रहा है कि ए नेगेटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब यहां एक्स की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ए पॉजिटिव रहेगा तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ऊपर वाला जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कुछ भी रखते रहो, इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्लियरली कितने मिल गए, तो बहुत आसान छोटा सा। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ई रेस्ट फॉर साइन एक्स माइनस टू ई रेस्ट फॉर माइनस साइन एक्स इक्वल टू टू इज, बहुत आसान आई थिंक। यहाँ पे क्लियरली एक काम कर लो, सबसे पहला काम यही करो कि e रेस्ट पावर साइन एक्स को आप मान लीजिए कुछ भी y, t, p जो भी मानना है, चलो t मान लिया, पुट द वैल्यूज, ये हो जाएगा t माइनस टू, क्या मैं इसको 1 डिवाइड बाय e रेस्ट पावर साइन एक्स लिख सकता हूँ, आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, इट मीन दिस विल बिकम 2 बाय t इज इक्वल टू टी। नाउ सॉल्व इट, टी एलसीएम ले लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों तरफ टी से मल्टीप्लाई कीजिए, तो टू टी स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू हो जाएगा 2t, और आई कैन से दैट टी स्क्वायर माइनस टू टी माइनस टू ऑल इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसके मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए, सो फैक्टर तो आई थिंक नहीं होगा डायरेक्टली, तो एक काम करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं और टी को सॉल्व करते हैं, तो टी इक्वल टू क्या होगा, माइनस पी यानी टू प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर दैट इज फोर, माइनस फोर ए सी माइनस फोर इंटू वन इंटू टू, तो डायरेक्टली प्लस एट लिख दूं, ऑल डिवाइड बाय ये 12 हो जाएगा, तो इसका मतलब 2 प्लस माइनस 12 होता है 4 इंटू 3 है, इसका मतलब मैं 2 रूट 3 लिख सकता हूँ 12 को डिवाइड बाय 2, 2 को बाहर ले लीजिए तो अल्टीमेटली मेरे पास बचेगा 1 प्लस माइनस रूट 3, क्या बचेगा 1 प्लस माइनस रूट 3। अब इसका मतलब मेरे पास जो टी की वैल्यूज यहां से निकल के आ रही है वो आ रही है, एक तो आ रही है 1 प्लस रूट 3 और दूसरी वैल्यू आ रही है टी की दैट इज योर 1 माइनस रूट 3। देखो ये तो डायरेक्टली रिजेक्ट हो गई, ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से देखो, मैंने टी किसको बोला, ई रेज टू पावर साइन एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका मतलब ये हमेशा ही क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, तो 1 माइनस रूट थ्री, रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.732 लगाना चाहो तो 1 माइनस दिस अल्टीमेटली ये मुझे नेगेटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा तो इसकी नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, टी नेगेटिव हो ही नहीं सकता भाई, ठीक है। इसका मतलब ये सोल्यूशन तो हो गया रिजेक्ट। चलो ऊपर वाले के पास, ऊपर वाला क्या बोल रहा है ध्यान से देखो कि 1 प्लस रूट थ्री, तो फिर से मैंने बताया रूट 3 की वैल्यू थी 1.73, ये अल्टीमेटली हो जाएगा 2.73 और ये किसकी वैल्यू है, e रेस्ट पर साइन एक्स। अब ध्यान से देखो साइन एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, साइन एक्स की जो रेंज होती है वो माइनस वन से वन के बीच में होती है, यानी e की मैक्सिमम यानी साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वन, यानी इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है e रेस्ट पर वन मतलब e, और e की वैल्यू होती है 2.7184, ये वैल्यू होती है e की, होप यू सबको याद होगी। अब ये वैल्यू क्या है 1.73, भाई इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ही 2.718 हो सकती है, ये तो क्या जा रहा है 2.73 जा रहा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू भी टी की पॉसिबल नहीं है, तो दोनों ही वैल्यू रिजेक्ट होगी, इसका मतलब मेरा आंसर होगा जीरो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होंगे वो क्या होंगे, जीरो। होप सो चीजें क्लियर और सिंपल है। लास्ट क्वेश्चन आज का, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछा गया आपके एग्जाम में 2024 में, लेट ए बी सी बी द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल सेटिस्फाइंग द कंडीशन दिस, मतलब ए बी सी साइड्स ऑफ ट्रायंगल है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इफ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स इज द इंटरवल अल्फा बीटा, ठीक है, मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की जितनी भी वैल्यूज है वो इंटरवल मुझे गिवन है अल्फा बीटा, ठीक है, देन 12 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, अल्टीमेटली मुझे x की वैल्यू का सेट निकालना, भाई x की कितनी वैल्यू जा सकती है जिसके लिए सेटिस्फाई करेगा वो निकाल, तो कैसे निकालो, ध्यान रहे आपको एक एक्स्ट्रा चीज यहां पे क्या गिवन है उस पे फोकस करना है, कि एक्स्ट्रा चीज मुझे गिवन है एबीसी आर द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो उस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए ताकि मैं ये जो x वाला इंटरवल है वो निकाल पाऊं, तो कैसे करोगे ध्यान से देखो। सबसे पहले एक काम करते हैं भाई, x की वैल्यू तो निकाल लें पहले, ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसमें x की वैल्यू निकालते हैं ये वाला, और आपकी थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस है तो आपको क्लियरली यहां पे दिखेगा सॉल्यूशन कैसे, ध्यान से देखो इस एक्स स्क्वायर को मैं अंदर लेके जाता हूं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस माइनस टू बी को अंदर लेके जाओ तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली माइनस का टू ए बी एक्स माइनस का टू ए सी एक्स,
और बाकी की चीजें लिख देता हूं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऑल इक्वल टू जीरो। अब क्लियरली आपको दिखेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एंड माइनस टू ए बी एक्स। क्या आपको दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी? तो क्या इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर? क्या सुनो, बिल्कुल प्लस। सिमिलरली ये तीनों टर्म देख लीजिए, सॉरी, ये आपको बी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर दिखेगी इक्वल टू जीरो। अब दो टर्म दोनों पॉजिटिव, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो कब हो सकता है? जब दोनों इंडिविजुअली जीरो। यानी यहां से मुझे मिल रहा है कि ए एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो एंड यहां पे और नहीं लगे, ध्यान रखना बी एक्स माइनस सी, क्योंकि दोनों जीरो होगी एक साथ तभी ये जीरो हो सकता है। यानी x की वैल्यू आपके पास मिल रही है b बाय ए एंड x की वैल्यू यहां से आपको मिल रही है c बाय बी। क्या यहां तक सबको चीजें क्लियर है कि नहीं? ये तो x की वैल्यूज आ गई मेरी b बाय और c बाय, बट ये कैसी बातें कर रहा है कि इफ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज इन द इंटरवल अल्फा बीटा, तो भाई x का इंटरवल तो नहीं आया। इसके लिए अब देखो ए बी सी आर द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है? इसका मतलब यहां से कुछ ऐसा होने वाला है जिससे कि मैं ये x की रेंज निकाल पाऊंगा, ठीक है? तो ध्यान रहे x की वैल्यू b बाई ए और c बाई बी है, इसके ऊपर बात करेंगे। सो एक काम करते हैं, मैं एक स्लाइड और ऐड कर लेता हूं यहां पे। x की वैल्यू क्या आई थी? आई थिंक b बाई ए थी ना एक, तो यस ये वैल्यू थी। अब ध्यान से देखो, मैं एक काम करता हूं कि एक ट्रायंगल है मेरे पास जिसकी तीनों साइड्स हैं ए बी जोकिल सी, ठीक है? तीन साइड एंड वी ऑल नो दैट कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो अगर मैं यहां से ये बोलूं कि बी जो है वो छोटा होगा किससे? ए प्लस सी से। क्या ये बात गलत है कि सही है? आप बोलो सर बिल्कुल सही है। सिमिलरली आप लिख सकते हो कि ए इज स्मॉलर देन बी प्लस सी, सी स्मॉलर देन ए प्लस बी, कोई भी एक ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने b ही क्यों लिया? b लेने का रीजन मैंने यहां पे लिखा है कि मेरी x की एक वैल्यू जो है वो b बाय a है, ठीक है? दूसरी वैल्यू आपकी क्या है? आई थिंक c बाय b है, तो आप c बाय b भी लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, दैट्स टोटली योर चॉइस, इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है? दूसरी चीज आपको ये भी पता होगा कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज स्मॉलर देन द थर्ड साइड। यानी अगर मैं यहां पे ये बोल दूं कि a और c का अगर मैं डिफरेंस लेता हूं, डिफरेंस का मतलब पॉजिटिव चाहिए, तो इसलिए मैं मोड लगा लेता हूं, मुझे नहीं पता कि a बड़ी है कि c बड़ी है, तो मोड ऑफ a माइनस c का डिफरेंस जो है वो b से हमेशा छोटा होगा और इनका सम जो है हमेशा b से छोटा होगा। ये मिल गई आपको इनइक्वालिटी, बस यहीं से आपका काम होगा, यहीं से आपको रेंज निकलेगी। अब x की वैल्यू है b बाय a, तो मैं काम कर सकता हूं क्या? मैं दोनों यानी तीनों तरफ a से डिवाइड कर सकता हूं, कर सकता हूं बिल्कुल सर। a पॉजिटिव है क्योंकि लेंथ ऑफ साइड है, इसका मतलब मैं कर सकता हूं डिवाइडेड। तो ये अल्टीमेटली मुझे मिलेगा मोड ऑफ वन माइनस सी बाय ए लेस देन बी बाय ए, आई थिंक दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स जिसकी मुझे रेंज चाहिए, तो मैंने बी बाय ए की जगह एक्स रख दिया, और ए प्लस सी बाय ए तो वन प्लस सी बाय ए इज देयर। होप सो ये चीजें सिंपल और क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब सी बाय ए, इस सी बाय ए को मुझे हटाना है, इसको कैसे हटाया जाए? एक एक्स की वैल्यू बी बाय ए थी और दूसरे एक्स की जो वैल्यू आपकी आई थी वो आई थी सी बाय बी, सी बाय बी यहां है सी बाय ए, तो मैं एक काम कर सकता हूं क्या? सी बाय ए में मैं बी से मल्टीप्लाई और बी से ही डिवाइड कर देता हूं, तो अल्टीमेटली मैं इसी बात को लिखता हूं सी बाय बी इंटू बी बाय ए, हाँ है ना? बिल्कुल बोलोगे। सी बाय बी क्या है? आप बोलोगे सर एक्स, और बी बाय ए भी क्या है? ये भी एक्स की वैल्यू है, इसका मतलब अल्टीमेटली दिस इज योर एक्स स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज, सो इंप्लाइज दैट आई कैन से दैट इट इज मोड ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन एक्स लेस देन वन प्लस एक्स स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। सो फर्स्ट एक काम करते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक? सो मैं अलग से लिख लेता हूं कि यहां लिख ले x इज लेस देन वन प्लस एक्स स्क्वायर, सबको एक तरफ लेके जाओ, तो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा वन प्लस माइनस, होप सो सबको आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये वन का स्क्वायर इज वन माइनस फोर ए सी, तो माइनस का फोर हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय टू, ठीक है? सो वन सही, ठीक है? बट ये जो रूट आ रहा है, ये सॉल्यूशन जो आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहां से तो नो सॉल्यूशन मिल रहा है आपको, अगर मैं रियल वैल्यूज की बात करूं,
क्योंकि एक्स क्या होगा भाई, एबीसी तीनों रियल है तो एक्स क्या होगा, रियल होगा, तो यहां से इमेजिनरी रूट आ रहा है, मतलब यहां से मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिला, तो इसको एज इट इज छोड़ दो, क्योंकि इसके डी क्या है, नेगेटिव है। इसको थोड़ा अब मैं लेता हूं इस वाले पार्ट को, ठीक है। अब पहले तो मैं लिखता हूं मोड वन माइनस एक्स स्क्योर इज लेस देन एक्स है, ठीक है, पहले मोड हटाओगे। अगर ये एक्स से छोटा है, इसका मतलब क्या, मैं ऐसा लिख सकता हूं कि वन माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो माइनस एक्स से बड़ा होगा, एक्स से छोटा होगा। होप शो आपने इन इक्वालिटीज में ये बेसिक चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है। तो अब फिर से यहां दो कंडीशन बन गई, तो एक बार इसको सॉल्व कर लीजिए, एक बार इसको सॉल्व कर लीजिए। तो पहले मैं लेता हूं, चलो राइट वाले लेते हैं, तो इसको हटा करके इसके नीचे में लिख लेता हूं ये। सो दिस इज योर वन माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन एक्स, सबको एक तरफ करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मैं उधर लेके जा रहा हूं, प्लस का एक्स और माइनस का वन एस, ये इधर गया तो ग्रेटर देन जीरो। तो अब यहां पे जो आपका डी आएगा पॉजिटिव आएगा, तो यहां एक्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वन माइनस का प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी वन का स्क्वायर माइनस फोर इज प्लस फोर, तो रूट फाइव होल डिवाइड बाई टू, यानी एक्स की ये दो वैल्यूज मिलेगी, ठीक है। और ये मुझे क्या दे रहा है अल्टीमेटली, ये मुझे ये बताएगा कि लेट मी दिस समथिंग लाइक दैट। तो इसकी दो वैल्यूज क्या है, एक वैल्यू है मेरी ये, तो आई थिंक ये मेरे नीचे ना आ रहा हो, ठीक है। चलो एक बार इस सॉल्यूशन को रखो, हम नेक्स्ट पेज में इसको करते हैं। ये वैल्यूज मिली मुझे किसको, जब मैंने इसका ये वाला पार्ट सॉल्व किया। अब मैं ये वाला पार्ट सॉल्व करता हूं, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका, इस माइनस एक्स को उधर ले जाओ, इसको इधर, इसको लेके आना पड़ेगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का वन इज लेस देन जीरो। सिमिलरली एक्स की वैल्यू निकालो, तो ये हो जाएगा वन प्लस माइनस अगेन रूट फाइव डिवाइड बाय टू, तो ये वैल्यूज आ गई। पर ध्यान रहे ये लेस देन वाले की बात हो रही है, ये ग्रेटर देन वाले की। इसके सॉल्यूशन मार्क करते हैं। तो पहली इक्वेशन में एक्चुअली में क्या हुआ, लेट मी एड द स्लाइड, मेरे पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो। इसके सॉल्यूशन क्या मिले मुझे, एक्स की वैल्यूज मिली कि माइनस का वन प्लस माइनस रूट फाइव होल डिवाइड बाय टू, आई थिंक यही था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, माइनस वन प्लस माइनस रूट फाइव डिवाइड बाय टू, ठीक है। और दूसरे वाले में जब बात हो रही थी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज लेस देन जीरो की, तब मेरे पास एक्स की जो वैल्यूज मिली वो मिली वन प्लस माइनस रूट फाइव डिवाइड बाय टू। अब अगर मैं इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, ध्यान से देखिए ये क्या बोल रहा है कि दो सॉल्यूशन है, पहले को मार्क कर देता हूं माइनस वन प्लस, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड माइनस रूट फाइव होल डिवाइड बाय टू, दूसरा सॉल्यूशन मेरा यहां होगा कहीं, दैट इज माइनस वन प्लस रूट फाइव होल डिवाइड बाय टू। मैं बात कर रहा हूं इसकी, अब ये ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब इसके सॉल्यूशन कहां लाई करेंगे, आप बोलोगे सर इसके या तो इससे बड़ा होना चाहिए या फिर इससे छोटा होना चाहिए। ये क्वाड्रेटिक में आई थिंक पढ़ा होगा, एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि अगर मेरे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके सॉल्यूशन, लेट बी इट इज एक्स स्क्वायर कुछ भी लिख लो यार, ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन जीरो, और मैंने बोला कि इसके जो रूट है वो अल्फा बीटा है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कहां लाई करते हैं कि मैंने अल्फा बीटा मार्क किया इन सीक्वेंस कि बीटा बड़ा है अल्फा से, मैं मान के चल रहा हूं, तो इन दोनों रूट्स के बाहर, यानी बड़े वाले से बड़ी वैल्यूज लेंगे, छोटे वाले से छोटी वैल्यूज लेंगे, तब इसके सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ये इसके सॉल्यूशन आए। सेकंड वाला क्या, लेस देन वाला है, पहले ये मार्क करो कहां मिलेंगे, वन प्लस रूट फाइव, देखो माइनस वन प्लस रूट फाइव, इसका मतलब इससे तो ये बड़ा होगा, तो ये वन प्लस रूट फाइव डिवाइड बाई टू कहीं यहां मिलेगा, ठीक है। और माइनस वाला माइनस रूट फाइव, और ये दोनों माइनस एड होके ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो ये कहीं यहां मिलेगा आपको, तो वन माइनस रूट फाइव डिवाइड बाई टू सीक्वेंस में, मतलब नंबर वाइज मैंने सीख। अब ये जो ये क्या बोल रहा है, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो इसका मतलब सॉल्यूशन इसके अंदर लाई करेंगे, मतलब सॉल्यूशन कहीं यहां लाई करेंगे। अब इन दोनों के बीच में क्या है, एंड की कंडीशन है क्या, बिल्कुल, क्योंकि इन इक्वालिटी अगर आप ध्यान से देखो तो इन इक्वालिटी में क्या है, ये दोनों इकट्ठी इन इक्वालिटी है, मतलब इन दोनों को अलग अलग करोगे तो बीच में क्या आएगा, एंड आएगा, ठीक है। इसका मतलब मुझे सॉल्यूशन में इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन दोनों में क्या है, दिस इज द इंटरसेक्शन, इट मींस आई कैन से दैट एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस वन प्लस रूट फाइव डिवाइड बाय टू कॉमा वन प्लस रूट फाइव डिवाइड बाय टू, ये मेरा आ गया अल्फा, यानी ये अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू। मुझे पूछा क्या गया, उस पर फोकस करो, मुझे पूछा गया है 12 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और साथ में कर देना 12, तो ये याद रखेंगे, हम नेक्स्ट में करते हैं इसको। मुझे निकालना है 12 इंटू सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, उद वैल्यूज 12 इंटू अल्फा स्क्वायर मतलब माइनस वन प्लस रूट फाइव होल डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर, आई थिंक यही होगा, प्लस लेट मी चेक, यस यू आर राइट,
सो द नेक्स्ट वन इज का 1 + √5/2 का होल स्क्वायर, बस इसको ओपन कर लीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर 12 × ऊपर क्या होगा देखो, नीचे तो 2 का स्क्वायर 4 एलसीएम आ जाएगा, तो नीचे मैं डायरेक्टली 4 लिख देता हूँ, ऊपर क्या होगा आंसर देखो 1 का स्क्वायर 1, √5 का स्क्वायर 5 और ये हो जाएगा -√5 प्लस, इसका स्क्वायर खोलोगे तो 1 + 5 + √5 इससे ये कैंसिल आउट, 5 + 6 = 12 तो ये हो जाएगा 12 × 12/4 4 × 3 = 12 = 36 सो 36 इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक बार खुद से ट्राई करना इसको करने की, दैट्स इट। सो इन क्वेश्चन को करने के लिए देखो यार, बेसिक्स आपको क्लियर होना चाहिए, अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है तो फिर सोचने वाली बात है। ठीक है, फिर मे बी आपको ये चीजें समझ में नहीं आएगी। तो अब एक काम कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैंने टॉपिक से रिलेटेड अभी तक वीडियो नहीं बनाया, तो आपको जिस भी टॉपिक में डाउट लगता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप 5, 10, 15, 20 बच्चे जो भी हैं अगर मुझे बताते हैं तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, अगर आप नहीं बनाते तो सीरीज एज इट इज चलती रहेगी, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहेंगे, पहले 2024 के जितने भी जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछे गए उनको कंप्लीट करेंगे, फिर हम 23, 22 एंड शो ऑन ऐसे ही चलते जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करें, खुद पढ़ें, दूसरों को पढ़ने के लिए भी वीडियो को शेयर करते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।